पहला पाठ लेवी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 8 से 18 तक। वर्षों के सात सप्ताह अर्थात सात बार सात वर्ष तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम सातवें महीने के दसवें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपने पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अंछनी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। मेरे आदेशों और विधियों का पालन करो। ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करते रहोगे। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय एक वचन संख्या 25 से 31। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्य-मण्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उस ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यह प्रभु की वाणी है। पवित्र सुसमाचार। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नाजरेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायस की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं।
यह है प्रभु का सुसमाचार। महाधर्मजज जॉन बरवा, महाधर्म प्रांत कटक भुवनेश्वर के धर्माध्यक्ष, रेवरेंट फादर मोस्ट रेवरेंट बिशप चाको, मोस्ट रेवरेंट बिशप थियोडोर, मोस्ट रेवरेंट बिशप थॉमस, मोस्ट रेवरेंट बिशप एमेंटोस लुकास कैपिटा, रेवरेंट फादर रोनी रोनल पेरेरा, प्रोविंशियल सुपीरियर, वेरी रेवरेंट फादर अजीत, जसवीर समाज के हजारी और प्रोविंशियल सुपीरियर, रेवरेंट फादर बथोलोमियो गिलो, संबलपुर धन प्रांत के विकास जनरल, रेवरेंट फादर स्टेफन बरला रौतला धन प्रांत के धर्माध्यक्ष, विकास जनरल और जर्मनी से आगे आए हुए फारर फॉर गवर गेसन, उपस्थित सभी पुरोहित गण, ब्रदर गण, रेवरेंट सिस्टर टेरेसा डोडो सुपीरियर जनरल ऑफ द हैंडमेड्स ऑफ मैरी, रेवरेंट सिस्टर बर्नाडेट कलकत्ता प्रोविंशियल सुपीरियर ऑफ सेंट टेरेसा प्रोविंस, रेवरेंट सिस्टर मैरी सीजे जसवंता प्रोविंस के प्रोविंशियल सुपीरियर, रेवरेंट सिस्टर विल्मा एसएसपीएस प्रोविंशियल सुपीरियर, उपस्थित सभी सिस्टरगण, सभी माता पिताओं और भाई और बहनों, आज की समारोह में और आज के पाठ के दौरान परमेश्वर ने हम सबको न्योता दी है जुबली मनाने के लिए। आज का पहला पाठ यही कहता है, तुरी बजाकर जुबली की घोषणा करो, ईश्वर की आवाज और पुकार को सुनो जो परमेश्वर ने अपने हृदय में अपनी प्रजा के लिए क्या रचा है, और ये इन्विटेशन सारी जनता के लिए है उसके पास तीर्थ यात्रा करते हुए उसके पास वापस आने के लिए, एक जुबली साल मनाने के लिए ईश्वर के पास लौट कर अपने परिचय को और एक बार ढूंढने के लिए, एक आध्यात्मिक यात्रा। सर्वप्रथम प्रायश्चित की घोषणा, हम मानव हिसाब मानव होने के कारण सर्वप्रथम जब परमेश्वर के पास लौटते हैं अवश्य हमारी यही भावना होना चाहिए विनम्रता के साथ कि जो परमेश्वर पवित्र है और हम वही हमारा ईश्वर है और हम उनकी प्रजा हैं, अवश्य हमारी उनके सामने आने का सर्वप्रथम हमारे हृदय का भावना और जीवन की इसी प्रकार की हमारे उनके साथ होना चाहिए जो हमारे प्रायश्चित दिल से और प्रायश्चित हृदय से क्षमा प्रार्थना के साथ उनके पास लौटना। जुबली एक ऐसी समय है जहां परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रदर्शन करते हैं, अपनी कृपा और आशीष से अपनी जनता को भर देती है और अपनी अपने जो सपना है उसको प्रकट करते हैं। जुबली है विश्राम देश दिन का पूर्णता एक वर्ष जहां पूर्ण रूप से ईश्वर पूर्णता सपना को प्रकट करना चाहते हैं जो इसराइलियों के लिए वो रचा है, वो है लिबरेशन, पूर्ण मुक्ति देना,
पूर्ण तरफ से ईश्वर का राज की घोषणा करना और पूर्ण रूप से ईश्वर की उसी सपना को इसराइलियों को और एक बार उनको समझने के लिए और उसी में अपने को देखने के लिए अपना परिचय को ढूंढने के लिए उनको बुलाते हैं, जैसे कि वे अपना परिचय ईश्वर के द्वारा ढूंढे। कारण कि इजरायली जनता, ईश्वर में रोपे हुए जनता, जो एक संधि बनाई थी, उसी संधि का द्वारा ये जुबली उसको और एक बार नवीकरण करता है। तो आज हमारी यह सहेली सर्वधर्म समाज की 75 साल प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं। एक चुने हुए प्रजा, एक चुने हुए कॉन्ग्रीगेशन, जो ईश्वर के लिए सेट अपार्ट, ईश्वर के लिए एक चुने हुए, जो धर्म कार्य के लिए ईश्वर की साक्षी देने के लिए, ये वही प्रकार की जुबली है जहां तुरही बजाकर आज परमेश्वर घोषणा करते हैं कि इनके द्वारा ईश्वर अपना महिमा प्रकट करते हैं और इनके द्वारा जो जुबली मना रहे हैं उनको आशीष और कृपा करके इससे परिपूर्ण करते हैं और इन्हीं के द्वारा ईश्वर अपने सपना को और एक बार प्रकट करना चाहते हैं। आज का सुसमाचार में हम लोग सुने यीशु क्रिस्त इसी जुबली साल घोषणा करने के लिए आए, जब पहला उनका उद्देश्य थी अपने खुद नगर में नजरेत में और यही घोषणा की अपने नबी परिचय देते हुए ईसाया नबी के ग्रंथ के द्वारा अपना परिचय देती हैं कि वही है जो आने वाला मसीहा है और वो मसीहा वो घोषणा कर रहे हैं एक जुबली साल की। एक अनुग्रह का शुरुआत होता है उसी समय से प्रभु यीशु ख्रीस्ट के आने के द्वारा उसके उपस्थिति के द्वारा अनुग्रह जुबली ईश्वर की रात की स्थापना शुरुआत होती है। जो पहला पाठ ये सुने उसकी पूर्णता यीशु ख्रीस्ट अपने घोषणा के द्वारा उपस्थिति के द्वारा वो प्रकट करती है और उसी अनुग्रह में प्रवेश करने के लिए उसी अनुग्रह को जीने के लिए उसी अनुग्रह में विश्वास करने के लिए एक बुलावा है और ये बुलावा हम सबों के लिए जब ईश्वर के पास लौट जाने के लिए यीशु क्रिस्त बुलाते हैं ईश्वर के पास लौटने के लिए। आज इतिहास में पढ़े ये दर्श समाज के बाद बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। थोड़ी समय में अब जो कुछ भी मुख्यतः विषय हम सुनने पाए एक इतिहास की रचना किया गया है और इतिहास में ही दर्शनक है दर्शाया गया है कि जब कार्य ये कॉन्ग्रीगेशन है ये मनुष्य का नहीं है, ये प्रभु का धन समाज है, प्रभु के द्वारा स्थापित पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये शुरुआत हुआ। और जब इतिहास तक हम लोग सुने कि किस प्रकार प्रभु अपने महान कार्य जुबली वर्ष का घोषणा ईश्वर राज का घोषणा करते आ रहे हैं, जैसे चेलों ने जब वो प्रचार करने के लिए गए थे वापस आते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के पास। लुकास का सुसमाचार में पढ़ेंगे अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24 तक पढ़ेंगे। वहां चेले लोग वापस आते हैं और बखान करते हैं इसी प्रकार के इतिहास अपने कार्य महान कार्य जो अपने लोग और का महान कार्य के अचराज काम कि उनके नाम में यीशु क्रिस्त के नाम में जैसे सिस्टर लोग यीशु क्रिस्त का नाम में यीशु क्रिस्त का जीवन धारण करके यीशु क्रिस्त का कार्य संपन्न करते हुए बहुत ईश्वरीय राज की स्थापना की। उसी प्रकार चेलों में जाते हैं कहते हैं प्रभु आपके नाम में हम ये चमत्कार किए दोस्त ऐसे किए चंगाई किए हम लोग अंधों को अदृष्टि दान दिए। इसी प्रकार की वो बखान करते हुए यीशु क्रिस्त के पास खुशी और आनंद मना रही है। यीशु भी कहते हैं उनका अप्रूव करते हैं मैं भी देखा कि स्वर्ग से कि शैतान को गिरते हुए उसको
शैतान को हटते हुए मैं ये सब को देखा, तुम्हारे कार्य को देखा और उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं याद करवा की विशेषता, कहते हैं तुम लोग इसके लिए तुम खुशी मत मनाओ, इसलिए मत रिझाओ, तुम इसीलिए रिझाओ, इसीलिए खुशी मनाओ, करण कि तुम्हारा नाम स्वर्ग राज में लिखा गया है। शायद मैं आज ये सिस्टर पढ़ रहे थे, एडमंड हरिसन ने कही मैं कलीसिया के लिए शांत मैं दूंगा, शांत बनने के लिए बुलावा पहले सिस्टर लोगों के लिए, तुम लोग शांत बनने के लिए आए। सर इसी प्रकार सिस्टर गणों आज जुबली मना रहे हैं, हम जब ईश्वर के पास लौटे हैं इस समारोह के द्वारा और पूरे वर्ष में हम ईश्वर के पास भिन्न कार्यक्रम से आध्यात्मिक यात्रा से आध्यात्मिक प्रोग्राम से हम ईश्वर के पास आए हैं, तो यीशु ख्रीस्त ही कहना चाहते हैं आनंद मनाओ खुशी मनाओ, कारण कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, कारण कि तुम्हारे जीवन के द्वारा विश्वास को आपने घोषणा किए हैं, आपने विश्वास किए हैं और इसी विश्वास की आशा के लिए आप लोग जी रहे हैं सर्वस्व निछावर करके। आज भी सपने कहे शुरू में एक राई की दाना एक गेहूं की दाना यदि नहीं गिरेगा नहीं मरेगा तो वो पैदा नहीं होगा, नहीं फल उत्पन्न करेगा और मर जाने से प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार धन समाज हर धन बहने के द्वारा एक बीज रोपा गया है इस धन समाज में, जो अपने बलिदान जीवन के द्वारा अपने खुद मर जा रहे डेली मार्टर के द्वारा हर दिन का बलिदान के द्वारा ये अपने रोपे जाती है और सीने ओ ये धन समाज में ये बढ़ते जा रहे फैलते जा रहे हैं और प्रभु इसलिए खुशी मनाते हैं। आज इसी लुकास के सुसमाचार में सुनने पाते हैं, कहते हैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद, हे आबा हे पिता आपको धन्यवाद देते हैं मेरे बच्चों के लिए जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया और भरोसा रखा, जो ज्ञानियों से आप इनको छिपा दिए। आज का दूसरा पाठ का सारांश यही है, कुरिन्थियों के नाम में संत पौलुस ने चुने हुए व्यक्ति कुरिन्थियों के में लिखते हैं कि आप लोगों ने ज्ञान ही नहीं थे कि बहुत उच्चाई रूप से आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आप लोगों को परमेश्वर ने अपने पवित्र इच्छा के द्वारा चुना, शक्तिशालियों को नहीं एक कमजोर व्यक्तियों को, जैसे कि शक्तिशालियों को वो लोग अपने को विनम्र कर सके, कि बुद्धिमानी को नहीं चुना, बुद्धिमानी को चुनने से अपने अपने में घमंड करें, दुर्बलताओं को मुक्तता को सुने। ये लिखने का कारण कारण कि संत पौलुस ने उसी सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे जो प्रभु यीशु ख्रीस्त का क्रूसित सुसमाचार जो यहूदियों के लिए एक ब्लॉक एक बाधा और गैर यहूदियों के लिए एक मूर्खता का चिन्ह होता है और यही को आप लोग अपनाए हैं, एक मूर्खता को अपनाए हैं, एक स्कैंडल को अपनाए हैं, अपने जीवन का गौरव माने हैं, इसीलिए आपका धर्म आपकी समाज आगे बढ़ता जा रहा है। यही मेरे बच्चे आप लोग ने उसी आध्यात्मिकता को अपना लिए हैं, ये नहीं कि आप लोग मूर्ख हैं, ये नहीं कि आपका जीवन एक बड़े घर में जन्म नहीं होगा, हो भी सकता है, जैसे कि प्रभु यीशु ने हम जन्म पर मनाए, ईश्वर होते हुए भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर होते हुए भी अपने को निछावर कर दिए, दुर्बल कर दिए, अपने को विनम्र कर दिए, दीनहीन बना दिए, जैसे कि हम फिलिपी के ग्रंथ में पढ़ के लेखक संत पौलुस का चिट्ठी में पढ़ते हैं
अध्याय दो पद से छह से ग्यारह, एक अध्यात्मिकता को अपनाए, अपने दीनहीन मन में एक दास बना दिए। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने का परिचय इसी प्रकार देते हैं, क्रूस मरण तक अपने को दे देते हैं। बहुत आप लोग सिस्टर, आप ही लोग इसी अध्यात्मिकता ज्ञानी बुद्धि होने से तब भी आप लोग इसी प्रकार की अध्यात्मिकता अपने को दीनहीन बना देते हैं, जिससे कि पिता ईश्वर आप लोगों के बीच में प्रकट होगा। कारण कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए अपने को इसी प्रकार अपने को दीनहीन बनाए, जिससे कि वो ईश्वर की पवित्र इच्छा को पूरा करे और ईश्वर की घोषणा करे, पिता ईश्वर को प्रचार कर सके, अवतार ईश्वर के बारे को घोषणा कर सके। इसी प्रकार हमारे विनम्रता में, हमारे जीवन की शख्स में परमेश्वर खुद कार्य करी होती है और परमेश्वर खुद हमारे जीवन में जीते हैं। जब हम मर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दुर्भोग हमारे जीवन कार्य करी होता है, उसी प्रकार ईश्वर का जीवन हमारे में परिपूर्ण होता है और व्यक्त होता है, और जिसी के द्वारा हम लोग इस दुनिया को जागृत करते हैं, उठाते हैं जो सो गया है, उस दुनिया को उठाते हैं। Wake up the world, ये संपापा का यही आवाज है सभी कॉन्सेंट्रेटेड लोग हमारे धन समाजों के लिए। Wake up the world, आप लोगों के जीवन के द्वारा, आप लोगों के जीवन की आशा के द्वारा, जिसके लिए आप लोग जी रहे हैं, ये दुनिया के लिए नहीं, उस दुनिया के लिए जी रहे हैं, इसीलिए सब कुछ दे रहे हैं, उसी आशा, उसी विश्वास को, विश्वास में आप लोग अपने जिंदगी को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। और यही अवस्था आपको देखते हुए दूसरे लोग एक जागृत होते, एक प्रकार की नया आवाज ईश्वरीय उपस्थिति को आप लोगों में बीच पर दूसरे लोग देख सके। तो आज के जुबली दी परमेश्वर हम सबों को और एक बार बुलाता याद करते हुए कि जो इतिहास में हम लोग बनाते हैं हर जन के द्वारा, ये पूर्णता समर्पण और ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा अपने को निछावर करने से इतिहास, अपना इतिहास नहीं, एक धर्म समाज का इतिहास, ईश्वर का इतिहास आपके द्वारा बनता है। जो इतिहास एडमंड हरिसन ने सपना देखी परमेश्वर की, वही पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, दूसरे के द्वारा नहीं, और एक मिशन के द्वारा देखे कि उस समय विश्व महायुद्ध हो रहा था, सिस्टरगणों की कमी थी, मिशनरियों का कमी था, काम करने के लिए कोई नहीं, और गमपुर ये स्थान फैलते जा रहा था और इसमें काम करने के लिए कोई भी नहीं थी। इसी समय एडमंड हैरिसन वो ना अपने को खुद सोचे कि कैसे शुरू करें, क्या करें, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए कई धर्म बहनों भाई यही बेटा बेटियों को लेकर प्रेरणा लेकर शुरुआत करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हुए, और शुरुआत होती है। इसी प्रकार की इस दमपुर मिशन में शुरुआत करने के लिए उस समय की आवाज सुनने, उस समय का पुकार सुनने के लिए, उस समय का हुआ सुनने के लिए, और उस रात का घोषणा जो परमेश्वर का बुलावा सुनते हुए, ठीक आज उसी प्रकार परमेश्वर की आवाज और पुकार, ईश्वर का बुलावा आज भी जो बुलावा देते आ रहे हैं, और इस धर्म समाज भी भिन्न भिन्न मीटिंग, भिन्न भिन्न कॉन्फ्रेंस और भिन्न भिन्न चैप्टर मध्यम के द्वारा वो लोग इसी पुकार को सुनते आ रही है। आज भी ईश्वर हमारे समाज, धन समाज, ये सब जितना तक ये पुकार, ईश्वर की पुकार, इतिहास का पुकार, उसी समय का परिस्थिति का पुकार सुनेंगे तो अपने नबिया
परिचय दे सकेंगे और अपने विश्वास अपने विश्वस्तता समाज में रहने पाएंगे। और मिशनरी भावना जागृत करेगा कि ये आप लोगों को एक ओनिंग अप टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा व्यक्तित्व हमारे कॉन्फिगरेशन का इस समय में क्या हमारा कर्तव्य है। ये कलिसिया में कलिसिया के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यही जन समाज कलिसिया जो सोचता है जो कलिसिया के साथ सुनना और कलिसिया के साथ आगे बढ़ना और कलिसिया हमेशा आज का दुनिया का जो परिस्थिति में है उसको आंसर देने के लिए और उसी के द्वारा मिशन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती जा रही है। आपका समाज जो है गोष्ठगत पेरिफेरी से जो जैसे कि सन पापा ने बहुत बार कहती हैं गरीबों के पास जाना पेरिफेरी के पास जाना जिसके पास कोई नहीं है। सन पापा का ही घोषणा आपने सुना है बहुत पहले से और जहां भी कोई भी नहीं पहुंचता आप लोग पहुंचते हैं अभी तक पहुंचते रहे हैं। तो आज इस दिन में परमेश्वर और एक पर दे देकर ढाढ़स देते हैं कहते हैं मैं तुम लोगों के साथ हूं और जो कुछ आप लोग हैं मेरे कारण से आए और ये समाज मेरा है आप लोगों का नहीं है। पवित्र आत्मा की कृपा से ये मिशन काम आगे चल रहा है और जो कार्य हो रहा है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उसी का कार्य प्रेरणा से होते जा रहा है इसलिए परमेश्वर को सुनना। तो आज दूसरा पाठ कहता है जितना तक हम विनम्रता के साथ परमेश्वर के पास नहीं सुनेंगे उनके पास विनम्रता के साथ हमें निछावर नहीं करेंगे शायद हम अपने ही इच्छा से जाएंगे। हमारे ये कलिसिया हमारा अपनी इच्छा नहीं। गॉड डज नॉट हैव लॉजिक व्हिच ह्यूमन बीइंग्स थिंक दे हैव लॉजिक। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ गॉड इज डिफरेंट गॉड्स लॉजिक्स आर डिफरेंट। अपने परमेश्वर की सोच परमेश्वर की मैथमेटिक्स लॉजिक जो सोचने की तरीका दूसरे होती है हमारे जैसे नहीं होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं जो आप लोग कलिसिया के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं आप लोग प्रार्थना करते रहिए और जैसे कि आप लोग हर दिन आधा घंटा एक घंटा ब्लेसेड सैक्रामेंट के सामने आराधना करते आ रहे हैं आराधना करते रहिए और इसी में आप लोग सुनने पाएंगे परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं इस समय में आप लोगों को कौन दिशा में देना चाहते हैं। और ये अखंड बात ये कांग्रेगेशन बढ़ती जा रहा है हर सिस्टर के द्वारा ये कांग्रेगेशन जुड़े जा रहे हैं इसलिए हर सिस्टर छोटे या क्यों ना हो किचन में काम करो या कहीं पास्टरल वर्क में कि इंग्लिश मीडियम में कि कहीं भी सबका महानता है और सबका मान्यता है कारण कि यीशु ख्रीस्त का अनुसरण करने के लिए अपने को चढ़ा दिया है। हर व्यक्ति शांत है इसीलिए सबों को लेकर ये कांग्रेगेशन आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ेगा जब सबका जिम्मेवार का जो खूबी है उसको पहचानने से और उसको आगे बढ़ाने से ये कांग्रेगेशन बहुत आगे बढ़ते जाएगा। और आज हम इतिहास को याद कर रहे हैं जितना इतिहास को याद करेंगे हर सिस्टर का जीवनी है एक जीवनी जो चले गए हैं और मर गए हैं वो कुछ बहुत कुछ कहना चाहता है उनको उनके आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जितना भविष्य जो पश्चात जो घट गया है उसको जितना ही याद करेंगे उतना ही आप लोगों का कांग्रेगेशन को आशीष मिलेगा करण कि परमेश्वर ने उनके द्वारा आशीष देते आ रहे हैं और आज अब जो है उन्हीं के द्वारा उन्हीं के पत्थरों
उन्हीं के विश्वास के द्वारा ये कॉन्ग्रीगेशन बना है। इसीलिए आप कभी नहीं भूलिए आज इसे श्रद्धांजलि दे, इस श्रद्धांजलि ना केवल नाम के वस्त्र आपके जीवन के द्वारा श्रद्धांजलि दिए उनको जिन्होंने एक कॉन्ग्रीगेशन को बनाया, उनके छोटे छोटे कामों में वो काम परमेश्वर के लिए बहुत महान था और छोटे छोटे काम ये कॉन्ग्रीगेशन को आगे बढ़ाया और जितना ही आप करेंगे आप लोगों को भविष्य दिख देगा, आप लोगों का अभी का समय में जोश देगा और आप लोगों में उसी प्रकार की अग्नि फायर जो उसको कहते हैं करने की इच्छा उमंग सोने के लिए नहीं उतना रेस्टलेसनेस आप लोगों को पैदा होगा और उसी में देखते हुए आप भविष्य के निर्णय भविष्य की सपना उन्हीं के द्वारा देख सकेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को विशेष कृपा आशीष और जो जुबली साल की जो ईश्वर की आशीष है पवित्र आत्मा कृपा वरदान आप सबों को प्रदान करें। एवं जोश के साथ मिट्टी को उर्वर बनाता ताकि बीज अच्छी तरह निकल आए।
इसी उत्साही बागवान की तरह हमारे संस्थापक पिता एडमंड हरिसन एस जी अपने सपने को साकारने के लिए किसरामार में बड़ी आशा लगन तथा साहस के साथ नया धर्म समाज शुरुआत करने के लिए कदम बढ़ाए और किसरामार में जमीन तैयार की। आज हम इसी हमारे संस्थापक पिता की जीवन दान एवं उनके कठिन कार्यों के लिए ईश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारे संस्थापक को अपना औजार बनाकर मरिया सहेली धर्म समाज की स्थापना की। आज हम खुशी से धन्यवाद के साथ हमारे संस्थापक पिता के लिए स्वर्गीय आशीष आप कृपा मांगते हैं। खाद। बागवान मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी में खाद डालते हैं। खाद में एक ऐसी शक्ति है जो भूमि को उपजाऊ बनाता है। आज मरिया सहेली के धर्म बहनों के लिए हमारा पालक पिता बिशप हरमन वेस्टमैन एसपीडी एक खाद की तरह थे जो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाई। हमारे संस्थापक पिता के चले जाने से हम एक निर्जन एवं बंजर भूमि की तरह थे, लेकिन जब हमारे बालक पिता का हाथ मरिया सहेली में लगा तो वह उन्नति की ओर आकर्षित हुआ और विकसित होते गया। आज हम उनके जीवनदान एवं कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देते हैं और हम सभी बहनें उल्लासित होकर ईश्वर की गुणगायन और उनसे स्वर्गीय आशीष की कृपा मांगती हैं। बीज। तैयार की गई जमीन में बीज बोया गया। यह बीज हमारे पायनियर धर्म बहनों को दर्शाता है। बीज को जमीन से उगने के लिए अपने आप को आत्मत्याग करना पड़ता है। उसे जल, खाद, धूप आदि चीजों की आवश्यकता होती है। तब बीज अपने आप को प्राणिछावन करता है एक अंकुर होने के लिए। उसी प्रकार हमारे पायनियर धर्म बहने अपने आप को संपूर्ण आत्म त्याग देने एवं परिवार, माता पिता, सभी रिश्तेदारों को छोड़कर अपने आप को पूर्ण रूप से निछावर कर दिए। हम उनके लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आज हम जो हैं उन्हीं के बदौलत में हैं। हम उनके लिए ईश्वर से स्वर्गीय आशीष की दुआ करते हैं। अंकुर बीज। ये अंकुर बीज हमारे धर्म समाज को दर्शाता है। जनरल और प्रोविंशियल का प्रतीक है। एक छोटा सा मासूम अंकुर बीज खुशी और उमंग से भरा हुआ पौधा बनने के लिए आगे बढ़ता है। उसमें नई पत्तियां आने लगती हैं और धीरे धीरे बड़ा होकर बहुत से डालियां निकल आती हैं। हमारे मरिया सहेली धर्म समाज भी एक अंकुर बीज की तरह था, लेकिन धीरे धीरे उन्नति की राहों में बढ़ता गया और आज दो डालियों में बांटा गया है। वो है सेंटेरेसा और स्नेहादीप्ति प्रोविंसेस। हमारा जनरलेट एक पेड़ की तरह है जिसमें से ये डालियां निकल चुकी है। आज हम इस खुशी के दिन में हमारे जनरलेट एवं दोनों प्रोविंसेस के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदा हम पे बने रहे, ताकि हम यीशु के दिए हुए कार्यों को बड़ी लगन एवं क्षमता के साथ करते हुए यीशु के राज्य की घोषणा कर सकें। फल। जब पेड़ बड़ा हो जाता है,
तब उसमें फल आने लगते हैं और डालियां फलों से झुक जाती हैं। उसी प्रकार मरिया सहेली धर्म समाज की कार्य एक फल की तरह है और बहुत से लोगों को अपने कार्य फलों के द्वारा तृप्त किए हैं, जैसे धर्म शिक्षा, रोगियों की सेवा, शिक्षा और दया का काम। आज भी नए कार्यों से मरिया सहेली के धर्म महीने लाखों के दिल को स्पर्श कर रहे हैं। आज हम इस फल प्रतीक के द्वारा उन्हें ईश्वर के समीप लाते हैं कि वे हर घड़ी ईश्वर की आशीष के पात्र बने रहें। दाखरस और रोटी। ये दाखरस और रोटी यीशु के शरीर और लहू में बदल जाता है। ये दाखरस और रोटी हमारा कैथोलिक कलीसिया संपिता और विश्व के प्रतीक है, जो कलीसिया में उत्तम है और विश्वास के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। आज हम इन्हीं प्रतीकों के साथ हमारे संपिता सभी विश्वगणों और सभी पुरोहितों को यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं कि वे एक भले गड़े भी और अगुआ की तरह यीशु के दातवारी में काम कर समस्त मानव जाति को ईश्वर की ओर ले सके। प्यारे बहनों और भाइयों, आइए हम प्रार्थना करें मिलजुल कर कि प्रभु ईश्वर हम लोगों का भेंट बलिदान सोच विचार जो है ग्रहण करें। प्रभु अपना स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता अपने समस्त अवतार के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे दयालु ईश्वर, अपनी भक्त प्रजा के ऊपर दया दृष्टि कर। इस संस्कार के प्रभाव से तेरे विश्वासों का समुदाय, तेरे लिए चुनी हुई जाति, विशेष करके मरिया सहेली धर्म समाज अपने को आपके हवा आपको समर्पण करती है। उनके साथ मिलकर हम यहाँ उपस्थित जितने भी हैं, हमारे ओडिशा राज्य के जितने भी हैं, भारत देश के, हम प्रत्येक को आपके आपको समर्पण करते हैं। ऐसा वरदे प्रभु कि हम आपके हैं, सदा ही आपके बने रहे, यही हमारी प्रार्थना है मुक्तिदाता यीशु मसीह के द्वारा। सृष्टि मत फिर पूर्ण प्रदान करें,
और पापी मनों के लिए स्वर्ग के द्वार इसलिए हम आनंद के दुखी उमंग से निरंतर ईश्वर से गाते शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दासों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी प्रजा तुझे निवेदन करते हैं, हमारा त्योहार पुत्रा शक्ति से दया पूर्वक पवित्र कर कि आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम सजा समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत पुनर्वसन का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। या हमारे विश्वास का रहस्य की मुक्ति प्राप्त दुर्भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग रोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बात करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पत्नी पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वरदे क्योंकि पुत्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए।
किया हूँ, तेरे धन्य प्रेरित हूँ, प्रतापी शहीदों संत जोसेफ तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए, हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार कुजूर, सभी धर्माध्यक्ष जो यहाँ उपस्थित हैं, थियोडोर, थॉमस, लुकस, जॉन, चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, मरिया साहेबे समाज के सभी सिस्टरगण तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलेसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की आशाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मन भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब लोगों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। Thank you.
हमरे हृदय के बेटी बेटावन के छवा को कारण के सुव्रतम के पाप परिचर के जो तुमसे सुरक्षित रखो हमरे के पवित्र आत्मा के शक्ति से भरपूर कर दे कि हमरे मन विश्वास से शांति तक के जीवन में आगे बढ़ा और वह दिन के आश्रय में जाओ जब हमारे मुक्ति दाता यीशु ख्रीष्ट भी प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे क्योंकि Yeah.
Thank you.